हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू, इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आज आपका सीसी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बिकॉज अब यहाँ पे जो आईएमपी शेयर की गई थी वही आईएमपी आपको पेपर में देखने को मिली। और इन सबसे इंपोर्टेंट रोल आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू, अगर आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू राइट हो चुके हैं तो आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन नंबर 2 में आपने कितने एमसीक्यू राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए। जितने भी एमसीक्यू आपने राइट किए आप कमेंट बॉक्स में राइट करके जरूर बताइएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहले एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4 9 ईयर्स। अगर जिन्होंने भी पहला आंसर लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं। सेकेंड का आंसर हो जाएगा सी, ब्लाइंड फेथ एंड ट्रेडिशन, दैट मीन जिन्होंने भी सी आंसर लिखा है तो आपको 2 मार्क्स वहां से भी मिल चुके हैं। 2 + 2 = 4 मार्क्स हो चुके हैं। आप जरूर एक बार अपने एमसीक्यू चेकआउट कीजिएगा। एंड थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द आंट्स हाउस, यानी कि बी, जिसने भी यहाँ पे बी आंसर राइट किया उससे भी 2 मार्क्स मिल चुके हैं। 2 + 2 + 2 यानी कि 3 एमसीक्यू सॉल्व करने पर भी आपको 6 मार्क्स मिल चुके हैं। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या आने वाला है। और यहाँ पे यस 4 नंबर के एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि स्वीट्स। अगर आपने यहाँ पे सी भी लिखा है तो भी आपके 2 4 = 8 मार्क्स हो चुके हैं। एंड फाइनली 5 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, सेलिंग इज वाइस ज्वेल्स। आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पे टोटल 5 एमसीक्यू, टोटल 10 मार्क्स के। अगर आपने यही के यही एमसीक्यू टिक आउट किए जो मैंने यहाँ से आपको बताया तो आपके 10 out of 10 मार्क्स आ चुके हैं और एग्जाम में आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा। और इसके अलावा जिसने भी स्टॉक मार्केट का सेक्शन सॉल्व किया, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 जिन्होंने भी सॉल्व किया, वहां पर आपको मैच द फॉलोइंग आया आपकी एग्जाम में 8 मार्क्स का। तो देख लेते हैं आपके कितने मैच द फॉलोइंग राइट हुए। तो चेकआउट करते हैं, यहां पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ब्रिस्क वाइन का आंसर हो जाएगा, यहां पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है फर्स्ट, यानी कि हैविंग वाइन। आई होप आप समझ गए, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका हैवी वाइन। सेकेंड आंसर लिखा है यहाँ पे वर्ड्स, तो वर्ड्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंच वर्ड फॉर स्टॉक एक्सचेंज। और सबसे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों की हेल्प हो सके इसलिए सभी लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड थर्ड नंबर यहाँ पे इंट्राडे का आपका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग डे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे। 4 यहाँ पे दिए नोज डाइविंग, नोज डाइविंग का आंसर हो जाएगा सर्च फॉल ऑफ शेयर प्राइजेस। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया पॉइंट, पॉइंट यानी कि 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा रुपीस, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नंबर लिखा हुआ है। एंड 6 नंबर लिखा है यहाँ पे इक्विटीज, तो इक्विटीज का हो जाएगा यहाँ पर शेयर्स। एंड 7 नंबर पे लिखा होगा करेक्शन, और करेक्शन का आंसर हो जाएगा आपका अ नेगेटिव मूवमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 7 नंबर लिखा हुआ है। एंड लास्ट वन, ये तो जनरल आंसर सभी को आता होगा, फेस वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू। तो आई होप यहाँ पे आपने सभी एमसीक्यू चेकआउट कर लिए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। और भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।